हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने ट्रिप के लिए, और जो हमारा ट्रैवल होने वाला है ये ट्रैवल 6 मंथ्स का होगा। अभी फिलहाल मैं हूँ नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में, और हम लोग इस ट्रैवल में टोटल 3 कंट्रीज को हम लोग कवर करेंगे, अमेरिका, कैनेडा एंड मैक्सिको। हमेशा है ना, चलने से पहले मैं टायर्स वगैरह सब चीज़ें चेक करता हूँ, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल पे निकल रहे हो तो सब चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए। तो अभी मैंने देखा कि एक टायर के अंदर ना एयर कम थी, तो मैंने उसके अंदर एयर भरी, तो अभी पता चला है कि उसके अंदर यार पंचर हो रखा है। और मैंने इस पर ना थोड़ा सा पानी के अंदर सर्फ मिला के मैंने इस पर डाला, तो देखो यहाँ पे बबल्स आने लग गए हैं। ये देखो, ये रहा, ये दिख रहा है। तो अभी मेरे पास है ना टायर पंचर की किट नहीं है। मैं अपने दोस्तों से पूछा था अगर उनके पास भी किट है, तो उनके पास भी किट है नहीं। निकल गया हूँ पंचर किट लेने के लिए, और ये जो कार है मेरे दोस्तों की है, और ये सामने देखो यार, मैंने इन लोगों को अपना किक स्कूटर और इलेक्ट्रिक बाइक कभी दी है। मैं बोला जब तक मैं तुम्हारी कार यूज कर रहा हूँ ना, तुम लोग इतने मजे करो इस पे। इस स्टोर में आया था, यहाँ तो मिला नहीं है, बट यहाँ से मैंने एक टेंट ले लिया है। सो, अभी आ गया हूँ मैं दूसरे वाले स्टोर पे। ये है एडवांस ऑटो पार्ट, तो होप्स ओके यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू यूट्यूबर। ये प्लग्स चाहिए थे मेरे को, बाकी तो सब सामान है मेरे पास। अब चलते हैं वैन में और लगाते हैं यार ये प्लग्स। अभी मैं कर ही रहा था, इतने में भैया मिस्टर ली आ गए थे मेरे को बाय करने के लिए। तो ली कह रहे तू अपने कपड़े गंदे मत कर, मेरे को करने दे। मैंने कहा ठीक है भाई, आप कर लो। तो यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है एयर पंप, तो आ रहा है कि 15 है मेरे टायर में एयर। तो अभी देख लो यार कितना ज़्यादा नीचे है। तो चलिए सारे काम हो गए हैं, मैंने दोस्तों को भी बाय कर दिया है, अब हम लोग निकलते हैं अपने ट्रैवल के लिए। तो यहाँ पे देख रहे हो इतने सारे बॉक्स रखे हुए हैं, तो ये बॉक्स है ना मेरे को यूपीएस में ड्रॉप करने हैं। तो फाइनली मैं निकल गया हूँ 6 मंथ्स के ट्रैवल के लिए। तो यार दुआ करना कि जो हमारा ट्रैवल है मेरा और आपका, क्योंकि मैं तो ट्रैवल करूँगा और आप लोग जो है मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप लोग देखेंगे वीडियोस को, कि हमारा जो सफ़र है अच्छा जाए। तो एक कमेंट में ना जरूर लिख देना गॉड ब्लेस यू, भाई ट्रिप अच्छा जाए। जो भी मेरी प्लानिंग थी ना सुबह जल्दी निकलने की थी, कि मैं 9 से 10 बजे के करीब निकल जाऊंगा, बट जब मैं सब कुछ मैनेज कर रहा था मेरे को टाइम लग गया, फिर पंचर भी हो गया। तो मैं सोचा कि जब तक सब चीज़ें सही नहीं होंगी ना तो ट्रिप पे निकलने का फ़ायदा नहीं है। तो सो फार सब चीज़ें बढ़िया हो गई हैं, बट ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले मैं सोचा था कि शायद मैं वॉशिंगटन DC पहुँच जाऊँगा आज, बट अब मुझे लगता नहीं है शायद मैं वॉशिंगटन DC पहुँच पाऊँगा। और मैंने रोड भी है ना चेंज कर दिया है, पहले मैं जा रहा था जो 95 रोड है ना उस पर जा रहा था, बट अब मैं डेलवेयर से जाऊँगा होते हुए। पहुँच गया हूँ एलिजाबेथ सिटी नॉर्थ कैरोलिना। तो अभी काफ़ी देर से मैं चेक कर रहा था कि कोई सिटी ऐसी आई जो कि मेरे रोड पे ही है ना बिल्कुल पास पास में ही UPS हो, तो यही वाली सिटी आई थी। तो यहाँ पे जो पैकेज है मेरे पास वो मैं UPS में ड्रॉप करता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अरे ये तो हद हो गई है, स्टोर बंद है यार। तो इन्होंने लिखा हुआ है आज 2 बजे ही बंद हो गया। शिट, आज का दिन अच्छा नहीं है, ये स्टोर भी बंद है। तो अभी मेरे को लग रहा है UPS ढूंढना पड़ेगा जो 24 आवर ओपन है, और या फिर ये पैकेज को मुझे कल डिलीवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं, आज का दिन अच्छा नहीं है यार, सुबह से ही कभी पंचर हो रहा है, अब ये भी बंद मिला। हैं कुछ जो 24 आवर्स ओपन है, बट वो यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे है, और जिस रोड से मुझे जाना है उस रोड से मतलब सोच लो कि मुझे 15 मिनट है ना ऑफ राइड जाना पड़ेगा और फिर दोबारा आना पड़ेगा।
तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पैकेज तो देना ही है, नहीं तो यहाँ पे सोने में मेरे को इशू होएगा, बाकी चीजें करने में इशू होएगा, खाना वगैरह बनाने में। वेलकम टू वर्जीनिया। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वर्जीनिया में, तो नॉर्थ कैरोलिना से हम लोग बाहर आ गए हैं, दूसरे स्टेट में हम लोगों ने एंटर कर लिया है। तो इसी स्टेट के अंदर मैं अपने पैकेज दूंगा यार, देख लो एक स्टेट क्रॉस करके मेरे को ढूंढना पड़ रहा है यूपीएस। Keep right to continue on exit 13B. तो पैकेज को मैंने ड्रॉप कर दिया है। तो देखा, स्टार्टिंग में दिन तो खराब था, बट हम लोगों ने धीरे धीरे करके अच्छा बना दिया है। अभी मैं हूँ वर्जीनिया के अंदर। अभी थोड़ी देर में ना रात होने वाली है और मेरे को ना भूख भी लगी है। पहले मैं सोचा था कि मैं वैन में बनाऊंगा, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पे चिक फिले वहाँ से एक सैंडविच ले लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं बड़ी लंबी ड्राइव करने वाला हूँ। वन चिकन सैंडविच, डिलक्स चिकन, पेपर जैक। थैंक यू। तो ये इनका सैंडविच, और सैंडविच की कॉस्ट है वो $6 का है। तो ये इनका सैंडविच देख लो, इसमें चीज़ डाली हुई है इन्होंने, टमाटो डाले हुए, लेटस है और चिकन की पैटी है और बन है, और मैंने ऊपर से इस पर थोड़ी सॉस डाल दी है। अभी ये खाने के बाद में थोड़ी सी जान आ जाएगी, फिर हम लोग सीधा बड़ा लंबा ट्रैवल करने वाले हैं। सैंडविच खा लिया, बहुत ज़बरदस्त सैंडविच था। हमेशा चिक फिले है ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनसे सैंडविच खाएं और अच्छा ना हो। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं चेसापीक बे ब्रिज टनल से। टनल में ना जाने के लिए आप लोगों को टोल देना होता है, और देखो दोनों तरफ समुंदर है, और जहां से टनल है ना वो वहां से वो बड़ी बड़ी शिप निकल रही है। हम लोग कभी कभार होता है ना माउंटेन पे जाते हैं और कान बंद होने लगते हैं, या एरोप्लेन में, वैसे ही सेम फीलिंग आती है टनल के अंदर, जब बिल्कुल आप डीप में जाते हो ना तब कान बंद हो जाते हैं। अब हम लोग टनल से बाहर आ रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे दो या तीन टनल है। GPS सिग्नल लॉस। तो अभी यहाँ पे मैंने देखा एक सीनिक पॉइंट आया है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठ के नज़ारे का मज़ा ले रहे थे, तो मैं सोचा चलो रात होने से पहले पहले ये खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग को भी दिखा दूँ। यहाँ से यार नज़ारा देखो, यहाँ से पूरा समुंदर दिख रहा है और आगे की तरफ अभी अभी सनसेट हुआ है ना उधर। अब टाइम आ गया निकलने का, और मैंने अपना जो है ना स्टेयरिंग व्हील है इसके ऊपर मैंने अपना फ्लोरिडा का लोगो लगाया हुआ है यार, आई लव फ्लोरिडा। तो अभी मैं शॉपिंग करके आया हूँ वॉलमार्ट से, और मैं यहीं पर ही आज सो रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया रहा सुबह से। जो दिन था ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। अभी मैं डलवेयर सेट के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हूँ, जो कि मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर जल्द मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।